शिव दानंद ने। और हमारे माता पिता आ गए बहुत दूर था। और उन्होंने हमारी बात सुन ली है, लेकिन हम पूरी तौर पर उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग समस्या इस जीआर से उपस्थित होती है, जैसे कि एडेड स्कूल्स में प्रवेश मिलना एक बात है, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें हैं। तो मैं कमरेड संजय कमरेड को कहता हूँ आकर बाकी चीज़ें रख दें। धर्मेंद्र, कॉमरेड सुधीर परंत में, कॉमरेड नारायण, भानुदानी शिक्षा बचाव समिति और रेडीबाई के सभी नेतागण, आज हमारी वहाँ पर गर्मा गर्मी की चर्चा हुई। चर्चा इस बात पे हुई कि ये जो नया जीआर आया है उस बारे में अभी कॉमरेड परंत में ने आप लोग हम लोग को बताया कि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, मतलब धोखा अभी भी हम लोग को लग रहा है। उन्होंने हमें बताया कि हम ऐसा नहीं कर रहे, मतलब सरकारी स्कूल और शासकीय स्कूल वो हम लोग एक ही पकड़ते हैं, मतलब अनुदानित स्कूल वो हम लोग एक ही पकड़ रहे हैं। तो अनुदानित स्कूल और बिना अनुदानित मतलब प्राइवेट स्कूल, ये सब स्कूल मिला के बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पर ताकत बढ़ने वाली है, मतलब एडमिशन ज़्यादा होने वाले हैं। अभी तक मुंबई का उन्होंने ब्यौरा मांगा तो 6400 में से 3800 एडमिशन गए साल हुए थे, तो वो अभी बोल रहे हैं कि वो कम से कम 12000 तक ज़्यादा जाएंगे, ऐसा हम लोग को लग रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। 1 किलोमीटर के दायरे के बारे में बोला तो वो चॉइस करने का आप लोग का अधिकार है, मतलब हम लोग को, तो बोला वो भी ठीक है। पर हम लोग ने बोला कि आप शासकीय जो स्कूल बोल रहे हैं सरकारी बीएमसी के, उसमें